नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। दो दिवसीय दौरे पर अपने गृह जनपद गोरखपुर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गोरखनाथ मंदिर में करेंगे रात्रि विश्राम, सोमवार को प्रेक्षा गृह में रवि गोष्ठी में करेंगे प्रतिभाग। मकर संक्रांति पर गोरखनाथ मंदिर में लगने वाले प्रसिद्ध खिचड़ी मेले की तैयारियों की सीएम योगी ने की समीक्षा बैठक। कहा, खिचड़ी मेला पर गांव-गांव तक मिलेगी परिवहन की सुविधा, रेलवे स्टेशन व नकहा से भी श्रद्धालुओं को मिलेगी सिटी बस की सेवा। डेंगू की जांच, इलाज व रोकथाम पर विशेष ध्यान देने के सीएम योगी ने दिए निर्देश। मारपीट कर लूट करने वाले अभियुक्त अमरजीत उर्फ डब्लू पासवान को 24 घंटे के अंदर हरपुर बुधहट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक मोटरसाइकिल, मोबाइल व 950 रुपए की बरामद, भेजा जेल। एसपी साउथ ने दी जानकारी। पांच महिला साथी लुटेरों के ऊपर गुलहरिया थाने की पुलिस ने गैंगस्टर का मुकदमा किया दर्ज। एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने दी जानकारी। विदेश भेजने के नाम पर लोगों से पैसा लेकर धोखाधड़ी द्वारा कूट रचित वीजा व टिकट देने वाले दो अभियुक्तों के ऊपर कगहा पुलिस ने गैंगस्टर का मुकदमा किया पंजीकृत। की जा रही है आगे की विधिक कार्यवाही, एसपी साउथ ने दी जानकारी। महापौर सीताराम जायसवाल ने राप्ती नदी के गुरु गोरक्षनाथ घाट व राम घाट पर वोटिंग को हरी झंडी दिखाकर किया शुभारंभ। कहा, अब लोग नौकायन की तर्ज पर यहां भी वोटिंग का ले सकेंगे आनंद, पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। नगर निकाय चुनाव व एमएलसी चुनाव की तैयारियों पर एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा कि चुनाव की सभी तैयारियां हैं पूरी। 1 नवंबर 2019 के पहले स्नातक पास मतदाता एमएलसी चुनाव में बन सकते हैं मतदाता। 18 नवंबर को निकाय चुनाव के मतदाता सूची का किया जाएगा प्रकाशन। डेंगू पर नियंत्रण लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग लगातार कर रहा है प्रयास। जिला अस्पताल में भर्ती डेंगू मरीजों को उपलब्ध करवाई जा रही है अच्छी व्यवस्था। जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों ने कहा, यहां पर नहीं है किसी तरह की दिक्कत, हो रहा है सही तरीके से इलाज। दो अभियुक्तों विनय रावत व करण शंकर गोस्वामी को नाजायज गांजा के साथ राजगढ़ थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। 15 किलोग्राम नाजायज गांजा किया बरामद, भेजा जेल। और राजकीय जुबली इंटर कॉलेज के ग्राउंड पर माध्यमिक विद्यालय के अंडर 14 क्रिकेट प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। मंडल की चार जिलों की टीमों ने किया प्रतिभाग। कुशीनगर को हराकर गोरखपुर की टीम बनी चैंपियन। प्रखर श्रीवास्तव को दिया गया मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार। अब खबरें विस्तार से। दो दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने गृह जनपद गोरखपुर गोरखनाथ मंदिर पहुंचे। आपको बता दें कि गोरखनाथ मंदिर पहुंचते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सर्वप्रथम गुरु गोरखनाथ का पूजा अर्चना किए। उसके बाद मंदिर में स्थित अपने गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ के समाधि स्थल पर पहुंचकर मत्था टेक कर आशीर्वाद लिया। रात्रि विश्राम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में करेंगे। सोमवार को गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार लगाएंगे और लगभग 11 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ योगी बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षा गृह में होने वाले रवि गोष्ठी में शामिल होंगे तथा किसानों को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गोरखनाथ मंदिर में मकर संक्रांति पर आयोजित होने वाले विश्व प्रसिद्ध खिचड़ी मेला के लिए श्रद्धालुओं को गांव-गांव तक परिवहन की सुविधा मिलेगी। परिवहन विभाग इसके लिए रोडवेज की अभी से बसों के इंतजाम की तैयारी शुरू कर दे। रेलवे प्रशासन से संवाद कर अलग अलग स्टेशनों से मेला स्पेशल ट्रेनों का संचालन कराने के साथ ही गोरखपुर स्टेशन व नकहा हॉल्ट से इलेक्ट्रिक सिटी बसों की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इन सुविधाओं की जानकारी अभी से लोगों को दी जाए। सीएम योगी रविवार शाम गोरखनाथ मंदिर में मकर संक्रांति पर लगने वाले पारंपरिक खिचड़ी मेले की तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि खिचड़ी मेले से न सिर्फ पूर्वी उत्तर प्रदेश वरन बिहार नेपाल से लगायत देश दुनिया के सनातन मतावलंबियों की आस्था जुड़ी है। इसके दृष्टिगत मेले में सभी बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था की जाए जिससे मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। दूरदर्शन व आकाशवाणी के जरिए मेले का सजीव
जीव प्रसारण किया जाए ताकि वे लोग भी मेले में वर्चुअल सहभागी हो सके जो किंचित कारणों से इसमें शामिल नहीं हो पा रहे हों। मेले में भीड़ को नियंत्रित करने तथा सुरक्षा आदि की तैयारी पुलिस प्रशासन सुनिश्चित करे। पुलिस को सुरक्षा और सतर्कता पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मेले के समय वाहन पार्किंग स्थल में खड़े हों, वाहन स्टैंड पर प्रकाश एवं साफ सफाई की व्यवस्था कराएं और पर्याप्त संख्या में अलाव जलवाने की व्यवस्था की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि नगर निगम, गोरखपुर विकास प्राधिकरण तथा लोक निर्माण विभाग की जिम्मेदारी है कि वे सभी सड़कों को भी समयबद्ध ढंग से ठीक कराएं जिससे किसी को भी आवागमन में असुविधा न हो। सीएम योगी ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग को मेले के दौरान विशेष तौर पर अलर्ट रहना होगा। मेला परिसर में हेल्थ कैंप भी लगाया जाए। अस्पतालों को भी अलर्ट मोड पर रखने की आवश्यकता होगी ताकि आकस्मिक जरूरत पर किसी तरह की परेशानी ना हो। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सभी रैन बसेरों को ठीक कराएं तथा रैन बसेरों में सफाई आदि की व्यवस्था बेहतर हो। बैठक में एडीजी जोन अखिल कुमार, मंडल आयुक्त रवि कुमार एनजी, जिलाधिकारी कृष्णा करुणेस, एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर, नगर आयुक्त अविनाश सिंह, सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे, रेलवे, लोक निर्माण विभाग, बिजली विभाग समेत कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद में डेंगू की स्थिति की भी समीक्षा की। उन्होंने डीएम, सीएमओ व अन्य अधिकारियों को निर्देशित किया कि डेंगू की जांच, इलाज व रोकथाम की मुकम्मल व्यवस्था होनी चाहिए। हर मरीज का त्वरित उपचार हो, साथ ही लोगों को लगातार जागरूक किया जाए जिससे डेंगू को पनपने ही ना दिया जाए। हरपुर बुधर थाने की पुलिस ने मारपीट कर सामान लूटने वाले अभियुक्त को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है जिसकी पहचान अमरजीत उर्फ जबलू पासवान पुत्र संदेश पासवान निवासी ग्राम कुरसा थाना हरपुर बुधर जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिसके पास से 950 रुपये नकद, एक मोटरसाइकिल, एक मोबाइल को बरामद किया गया है। एसपी साउथ ने बताया कि 12 नवंबर की शाम को अभियुक्त अमरजीत द्वारा वादी मुकदमा से लिफ्ट मांगकर मोटरसाइकिल पर बैठाने तथा आगे जाकर वादी को धक्का देकर गिरा देना, हेलमेट से मारकर घायल कर देना तथा मोटरसाइकिल हीरो स्प्लेंडर प्लस ब्लैक कलर, मोबाइल कार्बन नीला कीपैड व 1500 रुपए छीन लेने के संबंध में थाने में मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसको देखते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में हरपुर बुधर थाना प्रभारी विज्ञानकर सिंह, उपनिरीक्षक प्रवीण कश्यप, सुरेश चंद्र, कांस्टेबल मोहित कुमार उपाध्याय, सुधाकर यादव, अभिषेक यादव, अनिल सिंह यादव शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने कहा, कल दिनांक 12/11/22 को सायंकाल 7-8 बजे के बीच में थाना क्षेत्र हरपुर बुधट जनपद गोरखपुर में एक व्यक्ति ने सिंहवलिया चौराहे पर एक बाइक सवार से लिफ्ट मांगा और थोड़ी दूर चलने के बाद मदरिया मोड़ के आसपास उसने ओवर पावर करके मोटरसाइकिल और मोबाइल तथा 1500 रुपए उस व्यक्ति से लूट लिए और उसे घायल कर दिया। उसकी सूचना पर तत्काल पुलिस सक्रिय हुई, उसका अभियोग पंजीकृत हुआ और घटना के 10 घंटे के भीतर ही घटना का पंजीकरण, विधिक कार्यवाही, अनावरण और अभियुक्त की गिरफ्तारी तथा लगभग 100% बरामदगी भी हो गई। लूटी गई मोटरसाइकिल, मोबाइल और 1500 रुपए में से 950 रुपए अभियुक्त के पास से बरामद हो गए हैं। ये अभियुक्त अमरजीत उर्फ डब्लू पासवान है, इसकी गिरफ्तारी हो गई है। विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए इसे माननीय न्यायालय के समक्ष अभी प्रस्तुत करके न्यायिक अपेक्षा में जेल भेजा जाएगा। गुलेरिया थाने की पुलिस ने 5 महिला अभियुक्तों के ऊपर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया, जिसके संबंध में एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने बताया कि गुलेरिया पुलिस ने 5 अभियुक्ता के ऊपर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया है, जिसकी पहचान शिल्पा हरिजन पत्नी संजय हरिजन निवासी काशीराम आवास थाना खलीलाबाद जनपद संतकबीर नगर हाल मुकाम मुजरी थाना पनियरा जनपद महाराजगंज, दूसरा सुमित्रा देवी पत्नी छांगुर हरिजन निवासी कुशहरा थाना बकरा जनपद संत कबीर नगर, तीसरा पूनम हरिजन पत्नी रामबचन निवासी कुशहरा थाना साथा जनपद संत कबीर नगर हाल मुकाम मुजरी थाना पनियरा जनपद महाराजगंज, चौथा सुरस्वती पत्नी लखन उर्फ सूरदास निवासी कुशहरा थाना साथा जनपद संत कबीर नगर, पांचवा विजेता पत्नी अजय हरिजन निवासी मतौनी
कुसमेही जंगल थाना खुराबार जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि यह अभियुक्ता लोगों से छिनैती करती थी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने कहा, आज दिनांक 13/11/2022 को थाना गुलरिया में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गोरखपुर द्वारा संगठित एवं शातिर अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत 5 शातिर चैन स्निचरों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। इन चैन स्निचरों के नाम शिल्पा, सुमित्रा, पूनम, सुरसती व विजेता हैं। ये चैन स्निचर सामान्यतः भीड़ वाले स्थानों में, मेलों में व टेम्पो आदि पे समय देखकर, मौका देखकर चेन, पर्स, मंगलसूत्र या अन्य आभूषण वगैरह छीन लेती थी। इनके विरुद्ध लंबा आपराधिक इतिहास है। आज इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई है, मुकदमा पंजीकृत किया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। गगहा थाने की पुलिस ने विदेश भेजने के नाम पर लोगों से पैसा लेकर धोखाधड़ी द्वारा कूटरचित वीजा व टिकट देने वाले दो अभियुक्तों के ऊपर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया है, जिसके संबंध में एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने बताया कि गगहा पुलिस ने दो अभियुक्तों के ऊपर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया है, जिसकी पहचान प्रमोद कुमार उर्फ सूरज बजाज उर्फ प्रवीण चौधरी पुत्र चतरपाल निवासी मकान नंबर 308 बागोवाली थाना नई मंडी जनपद मुजफ्फरनगर, दूसरा शिवानी उर्फ सलमा कोल पुत्री श्यामलाल निवासी ग्राम पिंडरा थाना मझगावा जनपद सतना मध्य प्रदेश के रूप में हुई है, जो कि धोखाधड़ी द्वारा कूटरचित तरीके से विदेश भेजने का काम करते थे। इनके विरुद्ध थाना स्थानीय पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने कहा, विगत दिनों थाना गगहा जनपद गोरखपुर पुलिस को एक गैंग का पर्दाफाश करने में सफलता मिली थी। ये गैंग लोगों को वीजा बना करके उपलब्ध कराने के नाम पर उनके साथ धोखाधड़ी करता था। इस गैंग में महिलाएं भी शामिल हैं। महिला पहले कॉल सेंटर की तरह से उसको कॉल करती है और जब व्यक्ति विश्वास में हो जाता है तो फिर उससे ये पैसे ठग लेते हैं और उन्हें नकली वीजा उपलब्ध करा देते हैं। इस गैंग के विरुद्ध 3 अभियोग पहले से पंजीकृत है। इसमें प्रमोद कुमार नाम का एक व्यक्ति, जो सूरज बजाज के नाम से लोगों से मिलता था और उसी नाम से काम करता था, और उसकी मुख्य सहयोगिनी शिवांगी उर्फ सलमा नाम की महिला है, जो मध्य प्रदेश की रहने वाली है। 2 इन साथी अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में थाना गगहा पुलिस को सफलता मिली है और विवेचना से पाया गया कि इनका एक गिरोह है जो लोगों को धोखा दे करके उनसे धन उगाही करता है। इस आधार पर इनके विरुद्ध गिरोह बंद अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है और दोनों अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा जाएगा। इनकी संपत्ति की भी जानकारी करके अपराध से अर्जित संपत्ति की कुर्की करने की कार्यवाही भी अमल में लाई जाएगी। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। 2 दिवसीय दौरे पर अपने गृह जनपद गोरखपुर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गोरखनाथ मंदिर में करेंगे रात्रि विश्राम, सोमवार को प्रेक्षा गृह में रवि गोष्ठी में करेंगे प्रतिभाग। मकर संक्रांति पर गोरखनाथ मंदिर में लगने वाले प्रसिद्ध खिचड़ी मेले की तैयारियों की सीएम योगी ने की समीक्षा बैठक। कहा, खिचड़ी मेला पर गांव-गांव तक मिलेगी परिवहन की सुविधा, रेलवे स्टेशन व नकहा से भी श्रद्धालुओं को मिलेगी सिटी बस की सेवा। डेंगू की जांच, इलाज व रोकथाम पर विशेष ध्यान देने के सीएम योगी ने दिए निर्देश। मारपीट कर लूट करने वाले अभियुक्त अमरजीत उर्फ डब्लू पासवान को 24 घंटे के अंदर हरपुर बुधहट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक मोटरसाइकिल, मोबाइल व 950 रुपए की बरामद, भेजा जेल। एसपी साउथ ने दी जानकारी। पांच
कुछ महिला साथी लुटेरों के ऊपर गुलहरिया थाने की पुलिस ने गैंगस्टर का मुकदमा किया दर्ज। एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने दी जानकारी। विदेश भेजने के नाम पर लोगों से पैसा लेकर धोखाधड़ी द्वारा कूट रचित वीजा व टिकट देने वाले दो अभियुक्तों के ऊपर कगहा पुलिस ने गैंगस्टर का मुकदमा किया पंजीकृत। की जा रही है आगे की विधिक कार्यवाही। एसपी साउथ ने दी जानकारी। महापौर सीताराम जायसवाल ने राप्ती नदी के गुरु गोरक्षनाथ घाट व राम घाट पर बोटिंग को हरी झंडी दिखाकर किया शुभारंभ। कहा, अब लोग नौकायन की तर्ज पर यहां भी बोटिंग का ले सकेंगे आनंद, पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। नगर निकाय चुनाव व एमएलसी चुनाव की तैयारियों पर एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा कि चुनाव की सभी तैयारियां हैं पूरी। 1 नवंबर 2019 के पहले स्नातक पास मतदाता एमएलसी चुनाव में बन सकते हैं मतदाता। 18 नवंबर को निकाय चुनाव के मतदाता सूची का किया जाएगा प्रकाशन। डेंगू पर नियंत्रण लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग लगातार कर रहा है प्रयास। जिला अस्पताल में भर्ती डेंगू मरीजों को उपलब्ध करवाई जा रही है अच्छी व्यवस्था। जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों ने कहा, यहां पर नहीं है किसी तरह की दिक्कत, हो रहा है सही तरीके से इलाज। दो अभियुक्तों विनय रावत व करण शंकर गोस्वामी को नाजायज गांजा के साथ राजगढ़ थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। 15 किलोग्राम नाजायज गांजा किया बरामद, भेजा जेल। और राजकीय जुबली इंटर कॉलेज के ग्राउंड पर माध्यमिक विद्यालय के अंडर 14 क्रिकेट प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। मंडल की 4 जिलों की टीमों ने किया प्रतिभाग। कुशीनगर को हराकर गोरखपुर की टीम बनी चैंपियन। प्रकाश श्रीवास्तव को दिया गया मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नगर निगम के द्वारा राप्ती नदी के तट पर गुरु गोरक्षनाथ घाट व राम घाट पर महापौर सीताराम जायसवाल के द्वारा हरी झंडी दिखाकर वोटिंग का शुभारंभ किया गया, जिसके संबंध में महापौर सीताराम जायसवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद देता हूं, जिनकी वजह से दोनों घाटों का सुंदरीकरण हो पाया है। आज गोरखपुर के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि यहाँ पर बोटिंग का शुभारंभ किया गया है, जो कि लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। पहले लोगों को रामगढ़ ताल पर बोटिंग के लिए जाना पड़ता था, लेकिन अब गुरु गोरखनाथ घाट व राम घाट पर ही यहाँ के लोगों को बोटिंग की सुविधा उपलब्ध होगी। इससे यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। यहाँ पर छोटे बच्चों के लिए भी बोटिंग शुरू किया जाएगा। जैसे जैसे यहाँ पर लोगों की डिमांड बढ़ती जाएगी, आगे और भी नदी में बोटों को डाला जाएगा। लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर लाइफ जैकेट की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा एक स्पीड बोट भी चलाया जा रहा है, जो कि रेस्क्यू बोट के रूप में काम करेगी। यहाँ पर फूड पार्क भी बनाया जाएगा। इस अवसर पर भाजपा के महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, पार्षद संजय श्रीवास्तव सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महापौर सीताराम जायसवाल, नगर निगम के उपसभापति ऋषि मोहन वर्मा, संचालक अमर निषाद व नागरिकों ने कहा, वही वजन ज्यादा है क्या? दो बार बैठे पर्यटन की दृष्टि से आराम से चलो।
बंद हो गया, बंद हो गया, आराम से चला, आराम से हां, उनके बदल बदल में चलना, उनके बदल बदल आराम से चलो, बदल लेना जब कोई कोनो बात है, आराम से चलना। ठीक बता भेल मगरमच्छ कोई कहीं बा रुक जा, रुक जा, एक मिनट भाई, मालवा हटाते हैं ऊपर बता दे क्या, आराम से ऊपर कर देगा भैया। गंगा मैया का नारा लगा, बोलो गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय। मेरा नाम है स्वर्णिमा प्रजापति। यहाँ पे बोटिंग का शुभारंभ हुआ है, कितना लोग बढ़ावा मिलेगा, कैसा लग रहा है? बोटिंग की शुरुआत होना एक बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट का कार्य हुआ है हमारे गोरखपुर में, श्री गुरु गोरक्षनाथ घाट पे। जैसा कि हम जानते हैं कि पहले नौका विहार पे भी बोटिंग की सुविधा उपलब्ध थी और वहाँ पे सारे टूरिस्ट और विजिटर्स जो भी होते थे वहीं पे जाते थे, बट अब एक ये घाट भी हो गया है जिस जहाँ पे विजिटर्स या टूरिस्ट जो भी आते हैं वो यहाँ पे भी घूम सकते हैं और बोटिंग का लुत्फ उठा सकते हैं। अभी तक आपने बोट पर चढ़ो? हाँ, बस मैं जा ही रही हूँ, मेरी टर्न है। ऐसा कितने एक्साइटमेंट में? हाँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ वहाँ पे बोटिंग करने के लिए, तो मैं बस जाने वाली हूँ। कहाँ से आई हैं? हाँ, मैं हुमायूंपुर से आई हूँ। आराधना प्रजापति। बोटिंग का शुभारंभ हुआ, हाँ, घाट पे कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। देखा जाए इससे पहले रामगढ़ताल पे था, अब यहाँ पे हो रहा है, नजदीक हो गया। हाँ हाँ, बहुत नजदीक हो गया है। कितना बढ़ावा मिलेगा पर्यटन को? अरे बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलेगा, इसका तो कोई बता नहीं सकता है कि कितना बढ़ावा मिलेगा, इसको नहीं कोई बता पाएगा, लेकिन जो भी है बहुत बढ़िया है। स्वाति, यहाँ पे बोटिंग का शुभारंभ हुआ, कैसा लग रहा है, कितना बढ़ावा मिलेगा? हाँ हाँ, ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आरती वर्मा। यहाँ पे बोटिंग का शुभारंभ हुआ है, कैसा लग रहा है, कितना बढ़ावा मिलेगा पर्यटन? बहुत अच्छा लग रहा है और ये आगे ही बढ़ेगा। देखा जाए इससे पहले लोग रामगढ़ताल पे जाते थे, अब यहाँ नजदीक शहर पे घाट पे, इससे बहुत खुशी है। अमर निषाद, यहाँ पे बोटिंग का उद्घाटन था और यहाँ मोटर बोट का शुभारंभ किया गया, मोटर बोट और एक स्पीड बोट का। क्या शुल्क है इसका, कितने रुपये से टाइम? मोटर बोट का 50 रुपया टिकट है और स्पीड बोट का 100 रुपया है, और टाइमिंग हमारा रेंज है एक किलोमीटर तक हम लोग स्पीड बोट से घुमाएंगे और 500 मीटर आना जाना मोटर बोट से घुमाएंगे। कितने बजे तक यहाँ पे घूमेंगे? अभी 10 बजे से स्टार्ट करेंगे और सायंकाल तक चलाएंगे, उसके बाद से लाइट वोट की व्यवस्था कराने के बाद जैसे अन्य जगह पे नाइट में चलता उसी तरह हम भी यहाँ पे नाइट में चलाएंगे। सुरक्षा में हम लोग लाइफ गार्ड रखे हुए हैं, लाइफ जैकेट पहनाते हैं, उसके बाद लाइफ बॉय भी है, रिंग रहती है और बोट में के नदी है तो नदी में बहाव होता है, इसलिए हम लोग एंकर की व्यवस्था की है, इनकेस कभी इंजन वगैरह बंद हो जाता है तो हम एंकर से उसको कहीं भी रोक सकते हैं। घाट का शुभारंभ से कितना बढ़ावा मिलेगा पर्यटन को? देखिए, आज 13 नवंबर 2022 का दिन गोरखपुर के लिए एक और इतिहास, विकास के रूप में एक और इतिहास जुड़ा है और आज राप्ती घाट पर, गुरु गोरक्षनाथ घाट पर यह नौकायन का शुरू किया गया है सेवा, जो कि पर्यटन के दृष्टि से एक नया आयाम रहेगा गोरखपुर के लिए। अब तक लोग रामगढ़ताल की ओर जाते थे, वहाँ पे उसका लाभ लेते थे नौकायन का, लेकिन अब यहाँ पर भी आएंगे और प्राकृतिक जो अपनी उपलब्धि है उसका लाभ लेने का लोग यहाँ पर गोरखपुरवासी उसका लाभ लेंगे। सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्या दिशा निर्देश दिए, क्या लोगों को शिक्षा मानक? सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो मानक है उतनी ही संख्या अब उस बोट में बैठेगी, साथ में लाइफ जैकेट है वो बिल्कुल जैकेट लगाए रहेंगे, जो लोग को तैरना नहीं आता वो निश्चित रूप से सावधान रहेंगे और
जितना मानक है उतने ही लोग उसमें बैठेंगे, तभी उनको भी उनके लिए भी सुविधा रहेगी और जो इसके संचालक हैं उनके लिए भी सुविधा रहेगी। बस हमारे मुख्यमंत्री जी के एजेंडे में था और आप देख रहे होंगे कि कितना सुंदर और स्वच्छ इस घाट को बनाया गया है। इसका प्रपोजल हमारे स्थानीय पार्षद संजय श्रीवास्तव जी ने नगर निगम को दिया था और नगर निगम ने इसे स्वीकृति प्रदान की है। आज इस कार्यक्रम का साक्षी बने हैं हमारे महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी, हमारे ऋषि मोहन वर्मा जी, मदन अग्रहाजी जी पार्षद मनोनीत नगर निगम गोरखपुर और हमारे बहुत से गणमान्य नागरिक यहाँ पर उपस्थित हैं और बोर्ड का संचालन किया जाए। यहाँ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, गोरखपुर पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही आगे बढ़ रहा है। अभी हमारे पास 3 बोटें आई हैं और जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी 2 बोट तुरंत आने वाली है और रेट भी बहुत कम रखा गया है और नौका विहार जो तारामंडल में है उससे ज़्यादा फैसिलिटी यहाँ पर लोगों को मिलेगी। फूड पार्क बनेगा, बच्चों को खेलने के झूले बनेंगे और भी सारी सुविधाएं बच्चों को और पर्यटकों को यहाँ पर दी जाएगी और मैं सभी से आग्रह करूँगा कि सुरक्षित बोटिंग करें, लाइफ जैकेट का प्रयोग करें, नदी में गंदगी न फैलाएं और इसको नदी में गहराई को बढ़ाने के लिए करोड़ों करोड़ रुपया का टेंडर मुख्यमंत्री जो दिया गया है और नदी के गहरा किया गया है उसमें मिट्टी निकाली गई है कि यहाँ जल आपूर्ति बराबर बनी रहे। सुरक्षा के लिए लाइफ जैकेट अनिवार्य है और ठेकेदार को बोल दिया गया है कि बिना लाइफ जैकेट के किसी को नौका विहार नहीं कराए, अगर ऐसा करेगा तो उस पर जुर्माना किया जाएगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी क्योंकि व्यक्ति और पर्यटक की सुरक्षा सबसे ज़रूरी है। इस उद्देश्य को लेकर यहाँ पर पर्यटन का बढ़ावा देने के लिए इस कार्यक्रम को आज यहाँ की जनता की उपस्थिति में किया गया है। मैं जनता से कहूँगा कि इसका उपयोग करें और सुरक्षित वोटिंग करें। जय हिंद। एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने नगर निकाय चुनाव व एमएलसी चुनाव की तैयारियों पर कहा कि स्नातक निर्वाचन के लिए जो लोग 1 नवंबर 2019 के पहले के स्नातक हैं ऐसे लोग स्नातक निर्वाचन के मतदाता बन सकते हैं। इसके अलावा नगर निकाय चुनाव के लिए 7 नवंबर को ही दावा व आपत्तियों का समय समाप्त हो गया है। प्राप्त आपत्तियों का डाटा एंट्री करवाया जा रहा है, 18 नवंबर को इसका अंतिम प्रकाशन करवाया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह एडीएम फाइनेंस गोरखपुर हूँ। पहली सूचना ये है कि जो स्नातक निर्वाचन के लिए जो लोग 1 नवंबर 2019 के पहले के स्नातक हैं वे लोग इसमें हमारे जो 17 जनपद हैं 3-4 मंडलों के लोग हैं ये लोग इसके सदस्य बन सकते हैं, मतदाता बन सकते हैं। इनके लिए अभी एक बार पुनः तिथि ओपन होगी और उस समय ये लोग अपना मतदाता बन सकेंगे। नगर निकाय निर्वाचक नामावली अभी 7 नवंबर को उसके दावे और आपत्तियां लेने की तिथि समाप्त हो गई है, अब उनकी डेटा एंट्री कराई जा रही है, 18 तारीख को इसका अंतिम प्रकाशन हो जाएगा। तो अब उसमें आम लोगों को या निवासियों को उसमें नहीं करना है, उसमें अब जो भी कार्य है कार्यालय को करना है, कार्यालय द्वारा कार्य किया जा रहा है और ड्यू डेट के पहले अर्थात 18 नवंबर के पहले मतदाता सूची तैयार हो जाएगी और 18 को उसका अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा। जनपद में स्वास्थ्य विभाग डेंगू पर नियंत्रण लगाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। आपको बता दें कि इस समय डेंगू बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, जिसको देखते हुए नगर निगम लगातार वार्डों में दवाओं का छिड़काव करवा रहा है और स्वास्थ्य विभाग डेंगू से पीड़ित मरीजों को जिला अस्पताल में सुविधा उपलब्ध करवा रहा है। जनपद में बिहार से मरीज आकर यहाँ भर्ती हो रहे हैं, जिसके संबंध में जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों ने बताया कि यहाँ पर हम लोगों का अच्छे से इलाज हो रहा है, डॉक्टर समय से आकर हम लोगों को देख रहे हैं और दवाएँ भी यहाँ पर उपलब्ध हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला अस्पताल में भर्ती डेंगू से पीड़ित मरीजों ने कहा, कोई बड़ी बात नहीं।
सरवन महाराजगंज जिला से। कब से यहाँ भर्ती है? आज तीसरा चौथा दिन है आज। किस तरह की व्यवस्था है यहाँ पे? व्यवस्था तो ठीक है। अभी तक इलाज में डॉक्टर आते हैं? हाँ जी, डॉक्टर आते हैं। आते हैं। इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है? वैसा कोई दिक्कत नहीं है। सुनीता गुप्ता, यही घोष कंपनी पर से। कोई किसी तरह की दिक्कत है यहाँ? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। डॉक्टर आते हैं देखने? जी। कब से भर्ती? कल से। राजघाट थाने की पुलिस ने नाजायज गांजा के साथ दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में राजघाट थाना प्रभारी संजय कुमार मिश्रा ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान विनय रावत पुत्र विनोद रावत निवासी अमृत मंडी थाना राजघाट जनपद गोरखपुर, दूसरा करण शंकर गोस्वामी पुत्र रामदेव गोस्वामी निवासी पिपरी थाना गीडा जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिसके पास से 15 किलो नाजायज गांजा को बरामद किया गया है। राजघाट थाना प्रभारी ने बताया कि अभियुक्त के ऊपर थाने में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में राजघाट थाना प्रभारी संजय कुमार मिश्रा, टीपी नगर चौकी प्रभारी कुंवर गौरव सिंह, कांस्टेबल देवेंद्र यादव, अशोक यादव, अंकित बिंद, अर्जुन शर्मा शामिल रहे। रोज तरह हम पछुआ जाते हैं। राजकीय जुबली इंटर कॉलेज के ग्राउंड पर माध्यमिक विद्यालय के अंडर 14 क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ राजकीय जुबली इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य किरण कुमार अहतो ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया, जिसमें गोरखपुर देवरिया कुशीनगर की टीमों ने भाग लिया। आपको बता दें कि पहला मैच देवरिया व कुशीनगर के बीच खेला गया, जिसमें कुशीनगर फाइनल में पहुंची, जिसके बाद फाइनल मैच कुशीनगर व गोरखपुर के बीच खेला गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए गोरखपुर ने 10 ओवर में 113 रन 6 विकेट खोकर बनाए। गोरखपुर की तरफ से प्रखर श्रीवास्तव ने धुआंधार 21 गेंदों में 43 रन बनाए, जिसमें 3 चौके व 4 छक्के शामिल थे। शुभम ने 14 रन, यश ने 10 रन बनाए। कुशीनगर की तरफ से अर्षद ने 2 विकेट लिया, अंकित ने 1-1 विकेट लिया। जवाब में कुशीनगर 29 रन पर धराशायी हो गई। कुशीनगर की तरफ से सर्वाधिक 8 रन अनुराग ने बनाए। गोरखपुर की तरफ से अद्रविक श्रीवास्तव ने 2 ओवर में 2 रन देकर 3 अहम विकेट लिया। सुशांत सिंह और शुभम ने 2-2 विकेट लिए। इस मैच का मैन ऑफ द मैच प्रखर श्रीवास्तव को चुना गया। इस अवसर पर ओम प्रकाश द्विवेदी, विपिन बिहारी यादव, रामरण यादव सहित अन्य लोग शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए राजकीय जुबली इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य किरण कुमार अहतो और MP सिंह ने कहा, कौन बोलेगा? मुझे एक बार बुलाइए सर। चलो बुलाइए, वो बोलेगा। अरे चलिए कोई ठीक है, ठीक है, डिसीजन लो। तुम बताओ क्या लोगे? तुम जीत लो। एक बैठे चलो बैठे।
मेरा नाम किरण कुमार आरतो है, मैं यहाँ प्रधानाचार्य हूँ। यहाँ पे मैच का प्रारंभ हुआ है, किन किन टीमों के बीच खेला जाएगा? ये देखिए अंडर 14 ये मंडल स्तरीय प्रतियोगिता है, आज पहली प्रतियोगिता देवरिया और कुशीनगर के बीच में होनी है। इनमें से जो जीतेंगे वो महानगर की टीम से खेलेंगे। सम्मानित भी किया जाएगा इन लोगों को? हाँ बिल्कुल सम्मानित किया जाएगा, इसके पहले भी नगर स्तरीय और जिला स्तरीय हुआ, उसमें भी बच्चों को सम्मानित किया गया है। ये जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं इसके बाद ये कहाँ खेलेंगे? ये बच्चे फिर इससे और आगे बढ़ेंगे, राज्य स्तर तक ये बच्चे जाते हैं। एनपी सिंह एसोसिएट डियास। यह अंडर 14 मंडली क्रिकेट प्रतियोगिता चल रही है और इस समय यहाँ पर मंडल के चारों जिले के प्रतिभागी यहाँ पर उपस्थित हैं, कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज और गोरखपुर के। सम्मानित भी किया जाएगा? हाँ, इन्हीं में से जो बच्चे टीमें जीतेंगे उन्हें सम्मानित किया जाएगा और इन्हीं में से प्रदेश स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता में भी बच्चे लिए जाएंगे। कितने दिनों जानते हैं, कम से कम एक दो हफ्ते चलेंगे। आज के लिए बस इतना ही, जाने से पहले एक नजर हेडलाइन पर। दो दिवसीय दौरे पर अपने गृह जनपद गोरखपुर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में करेंगे रात्रि विश्राम, सोमवार को प्रेक्षा गृह में रवि गोष्ठी में करेंगे प्रतिभाग। मकर संक्रांति पर गोरखनाथ मंदिर में लगने वाले प्रसिद्ध खिचड़ी मेले की तैयारियों की सीएम योगी ने की समीक्षा बैठक, कहा खिचड़ी मेला पर गांव-गांव तक मिलेगी परिवहन की सुविधा, रेलवे स्टेशन व नकहा से भी श्रद्धालुओं को मिलेगी सिटी बस की सेवा, डेंगू की जांच, इलाज व रोकथाम पर विशेष ध्यान देने के सीएम योगी ने दिए निर्देश। मारपीट कर लूट करने वाले अभियुक्त अमरजीत उर्फ डब्लू पासवान को 24 घंटे के अंदर हरपुर बुधहट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, एक मोटरसाइकिल, मोबाइल व 950 रुपए किया बरामद, भेजा जेल, एसपी साउथ ने दी जानकारी। पांच महिला साथी लुटेरों के ऊपर गुलहरिया थाने की पुलिस ने गैंगस्टर का मुकदमा किया दर्ज, एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने दी जानकारी। विदेश भेजने के नाम पर लोगों से पैसा लेकर धोखाधड़ी द्वारा कूट रचित वीजा व टिकट देने वाले दो अभियुक्तों के ऊपर कगहा पुलिस ने गैंगस्टर का मुकदमा किया पंजीकृत, की जा रही है आगे की विधिक कार्यवाही, एसपी साउथ ने दी जानकारी। महापौर सीताराम जायसवाल ने राप्ती नदी के गुरु गोरक्षनाथ घाट व राम घाट पर बोटिंग को हरी झंडी दिखाकर किया शुभारंभ, कहा अब लोग नौकायन की तर्ज पर यहां भी बोटिंग का ले सकेंगे आनंद, पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। नगर निकाय चुनाव व एमएलसी चुनाव की तैयारियों पर एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा कि चुनाव की सभी तैयारियां हैं पूरी, 1 नवंबर 2019 के पहले स्नातक पास मतदाता एमएलसी चुनाव में बन सकते हैं मतदाता, 18 नवंबर को निकाय चुनाव के मतदाता सूची का किया जाएगा प्रकाशन। डेंगू पर नियंत्रण लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग लगातार कर रहा है प्रयास, जिला अस्पताल में भर्ती डेंगू मरीजों को उपलब्ध करवाई जा रही है अच्छी व्यवस्था, जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों ने कहा यहां पर नहीं है किसी तरह की दिक्कत, हो रहा है सही तरीके से इलाज। दो अभियुक्तों विनय रावत व करण शंकर गोस्वामी को नाजायज गांजा के साथ राजगढ़ थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, 15 किलोग्राम नाजायज गांजा किया बरामद, भेजा जेल। और राजकीय जुबली इंटर कॉलेज के ग्राउंड पर माध्यमिक विद्यालय के अंडर 14 क्रिकेट प्रतियोगिता का हुआ आयोजन, मंडल की चार जिलों की टीमों ने किया प्रतिभाग, कुशीनगर को हराकर गोरखपुर की टीम बनी चैंपियन, प्रखर श्रीवास्तव को दिया गया मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार। अब मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।